हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लवली क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि चकोर गले में पाइपिंग कैसे लगा सकते हैं। वैसे चकोर गले में पाइपिंग लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्पेशली बिगनर्स के लिए। तो मैंने इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका बताया है जो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, बस आपको वीडियो पूरी देखनी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बुकरम पर पहले से ही चकोर गले की कटिंग करी हुई है, ये देखिए। ठीक है, तो अब हमें इसे कपड़े पे अटैच करना है और जिस कलर की हमें पाइपिंग लगानी है कुर्ते पे, उसी कलर के कपड़े पे हमें इसे अटैच करना है। तो उसके लिए मैंने ये ब्लू कलर का कपड़ा लिया है क्योंकि मुझे ब्लू कलर की पाइपिंग लगानी है, तो इसी पे हम अटैच करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम कपड़े में सेंटर कट लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम बिल्कुल सेंटर में हम 6 पे मार्क करेंगे क्योंकि हमने जो गले का ब्रॉड है वो 6 लिया था, तो कपड़े पे भी हमें 6 पे मार्क करना है। अब दोनों जो मार्क है उसके ऊपर बुकरम को रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम सिलाई करेंगे बुकरम के बिल्कुल ऊपर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब इसी मार्क पे रख के सिलाई करेंगे। अब हमें बिल्कुल बुकरम के ऊपर ही मार्क सिलाई करनी है। और बुकरम को बिल्कुल सेट करके चलना है। अब फ्रेंड्स, हमें बुकरम की जो बाहर की साइड है वो कपड़ा कट करना है। जितना हमने बुकरम लिया है उतना ही हमें बाहर की साइड कपड़ा कट करना है, मतलब जितनी बुकरम की चौड़ाई है। फ्रेंड्स, अब हम ये हमारा कुर्ती का शोल्डर है, इसमें भी मैंने सेंटर पॉइंट लगाया हुआ है और हमने इसे ऊपर की साइड, हमारा ये सीधा साइड है। ठीक है, और दोनों कट्स को हम इस तरह से मिला लेंगे और बिल्कुल सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम नॉर्मल गला बनाते हैं बिना पाइपिंग वाला, तो हम बुकरम के बिल्कुल पास पास सिलाई लगाते हैं इस जगह पे, बिल्कुल बुकरम के पास पास। लेकिन इसमें हमें पाइपिंग निकालनी है तो हम बुकरम से थोड़ा सा एक पैर दूर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे निशान लगा के दिखाती हूँ। देखिए, इतना मतलब जितना ज़्यादा आपका स्पेस रहेगा बुकरम से उतनी ही मोटी आपकी पाइपिंग बनेगी। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी एक पैर की सिलाई क्योंकि मुझे ज़्यादा मोटी पाइपिंग नहीं चाहिए, मुझे पतली सी पाइपिंग चाहिए।
तो फ्रेंड्स सिलाई लगाने के बाद अब हम अंदर से कपड़े की कटिंग कर लेंगे। जितनी हमने सिलाई लगाई है इतना ही कपड़ा हम छोड़ लेंगे और बाकी का कट कर लेंगे। अब हम कोने में जो हमारा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे, कट लगा लेंगे, और सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए जो हमने लगाई है। कट हमने इसलिए लगाया ताकि हमारा कपड़ा अंदर की तरफ आसानी से फोल्ड हो जाए। जैसे ही आप इसको फोल्ड करेंगे तो आपकी जो गले की है वो पाइपिंग इस तरह से निकल आएगी। ये देखिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से पाइपिंग निकलती है अगर इस तरीके से आप पाइपिंग निकालेंगे तो। ये देखिए आप इसको अंदर की तरफ हम फोल्ड कर लेंगे पूरे गले को। पूरे कपड़े को फोल्ड करने के बाद हम जो हमारा ये वाला कपड़ा है ग्रीन वाला, इसके ऊपर बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे ताकि इस गले में और ज़्यादा फिनिशिंग आ सके। बस आपको थोड़ा सा हमें कपड़े को खींच के चलना है पाइपिंग निकालते हुए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से पाइपिंग निकालते हैं तो चकोर गले में बहुत ही अच्छी पाइपिंग निकलती है, और भी दूसरे जो गले होते हैं, दूसरी शेप होती है, उसमें भी आप इसी तरीके से पाइपिंग निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।